अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन किराम, फ्रांस के अंदर एक मरतबा तबलीगी जमात पाकिस्तान से एक जमात गई और वो पैदल सफ़र कर रही थी। तो जब वो पैदल चल रही थी, लोगों को दीन की दावत दे रही थी, गश्त कर रही थी, गश्त वाला अमल कर रही थी, तो कुछ लड़कियों ने, दो लड़कियों ने उनको देखा और कहने लगे, बाबा जी ये पैसे ले लीजिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है और सवारी से चले जाए, पैदल मत चलिए। अब वो तबलीगी जमात के अमीर साहब थे, उन्होंने उन लड़कियों से बातचीत की। जब वो पैसे देने लगी और कहा, बेटा हमारे पास पैसे तो बहुत हैं और हम सवारी से भी जा सकते हैं, लेकिन हम पैदल चल रहे हैं, हमें पैदल चलना है और हमें लोगों से मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा, पैदल क्यों चल रहे हैं? कहा, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदल चल रहे हैं, हम अल्लाह के बंदों को दीन की दावत दे रहे हैं ताकि वो अल्लाह के मानने वाले बन जाए, फिर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह से राज़ी हो जाए। तो वो लड़की कहने लगी, बाबा जी मुझे आप नबी मालूम होते हो। अमीर साहब ने कहा, आपको कैसे पता चला हम नबी हैं? कहने लगी, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी लोग ये सब काम करते हैं कि अल्लाह की बातें उनके बंदों तक पहुंचाते हैं और उनके बंदों को, अल्लाह के बंदों को दीन की बात बताकर अल्लाह का मानने वाला, नमाज कुरान पढ़ने वाला बनाते हैं। तो अमीर साहब ने कहा, बेटी हम नबी तो नहीं है लेकिन उस नबी के उम्मती है, और वो नबी हमें कहकर, हमें ये ज़िम्मेदारी देकर गए हैं कि हम उस काम को करें जो नबी लोग करते थे। तो वो लड़की कहने लगी, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और आप बेशक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और वो दोनों लड़कियाँ अमीर साहब के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और पूछने लगी कि अब आपका कहाँ का रूट है। अमीर साहब ने उनको फुला जंगा का नाम बताया कि इंशाल्लाह अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हमारा रुकना होगा, वहाँ पर हमारी मेहनत होगी। तो 8 दिन के बाद वो लड़कियाँ, 8 लड़कियाँ और लेकर आई और उन सब ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो अल्लाह ताला ने ये पैदल चलने वाली जो मेहनत है, बड़ी अजीब इसके अंदर तासीर रखी है कि अच्छे अच्छे लोगों के दिल इसे देखकर पिघल जाते हैं। कैसे उनके दिल पर उस पैदल चलने की और फिर जो मुलाकात हुई उस बात करने की, कैसा उन लड़कियों के दिल पर उसका असर पड़ा कि सब के सब, खुद भी और औरों को लेकर आई, सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।